चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोर गजरौला थाना पुलिस ने किए गिरफ्तार, एएसपी ने किया खुलासा। अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आज अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह द्वारा गजरौला थाना पुलिस के द्वारा पकड़े गए तीन शातिर चोरों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर तीनों चोरों लक्ष्मण, धर्मा सिंह, गंगाशरण को हाईवे रिसोर्ट के सामने ओवरब्रिज अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए शातिर चोर बड़े शातिराना अंदाज में चोरी करते थे। ये लोग घर के बाहर सोने वाले लोगों के आभूषण और नकदी चोरी कर लिया करते थे और बाइक पर ये लोग रात में चोरी करने निकलते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी चोर वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। इनका गजरौला क्षेत्र में आतंक था, उन्होंने कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनके मुताबिक इन तीनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। हाईवे रिसोर्ट के सामने तीन अधिकारी गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने थाने के कई चोरियों का खुलासा किया है। उनकी मोटस ऑपरेंडी ये है कि वे रात में मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं और अगर घर के सामने कोई सोया हुआ है तो उसके जेवर और कपड़े उतार के भाग जाते थे। इनके पास से सोने के जेवरात करीब 5, चांदी के जेवर, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, जैसे क्या रहता है किस तरीके कहाँ का सप्लाई करते थे माल चोरी करके और लगभग कितने घरों में चोरी घटना को अंजाम दे चुके हैं? ये मूलतः हापुड़ जनपद के रहने वाले हैं और जैसा कि पहले बताया मैंने, ये रात में मोटरसाइकिल पर बैठकर इसी फिराक में निकलते थे कि अगर कोई घर के सामने सुनसान सोया है तो उसके आभूषण वगैरह चुरा लिए हैं और चुराने के बाद ये भाग जाते थे। इन्होंने जो घटनाओं को स्वीकार किया है वो गजरौला की घटना है। क्या इससे और आपका जिले में द्रोह है ये कितने समस्या है? अब इस संबंध में हम बेहद छानबीन करेंगे। कितने घरों को आप कितने साल बना चुके हैं, ये सवाल है। अभी तक इन्होंने जो गजरौला थाना में घटनाएं हुई हैं उन्हें स्वीकार किया है। कितने घटनाओं का खुलासा किया? करीब 2-3 घटनाएं हुई। तो आपराधिक इतिहास भी सुनूंगा, इन सभी का आपराधिक इतिहास है। लगभग 5-5 मुकदमे तीनों के। किस थाना क्षेत्र में? ये अमरोहा में ही।